दर्शन करने के कुछ क्षण बाद, जैसे कि आप लोगों ने देखा हो, दर्शन करने से पहले भाई यहाँ पे धूप आ रखा था और भाई सारे जैकेट वैकेट उतारना पड़ा था मेरे को। पर अभी देखो तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुझे स्किल से शायद आधे घंटे हुए होंगे। और देखो बारिश होने वाले शुरू हो गया, देखो आपको बारिश की आवाज़ भी शायद सुनाई दे रहा होगा। और बाहर का मैं दिखाता हूँ अभी ये बारिश, भाई यहाँ पे देखो क्या खतरनाक तरीके से बारिश शुरू हो गई है। देखो अब हम भी टेंट के अंदर बैठे हुए, भाई पूरा बादल वादल आ गया फिर से। देखो भाई बादलों ने फिर से घेर लिया है यहाँ पर केदारनाथ वैली को। देखो चारों तरफ भाई बादल आ गए चारों तरफ। और अगर यहाँ पर देखोगे ना ध्यान से, यहाँ पर भी बादल उड़ रहे हैं। देखो ये जो है ना, ये बादल है, ये बादल नीचे भी आ गए। ये देखो ये जो आपको जा रहा है ना, ये भाई साहब। और यहाँ टेंट के अंदर हमें भी मैं बंद करता, पानी अंदर तक आ रहा था पूरा। भाई बारिश जोर से फिर से शुरू हो गया, मैं भाई फटाफट भाग के ना यहाँ पर अंदर आ गया। और क्योंकि भाई तभी धूप था तो ठंड गर्मी लग रही थी, अब भाई ठंडी लग रही थी। देखो कम्बल उम्बल ओढ़ के बैठा पड़ा मैं भाई साहब। यहाँ सिचुएशन ये है, मतलब पलक झपकोगे मौसम चेंज, पलक झपकोगे मौसम चेंज, ऐसे कभी धूप कभी भाई बारिश कभी भाई पूरा बादल वादल सा हो जाता है। ऐसा सिचुएशन चल रहा है यहाँ पर केदारनाथ वैली में, तो ये सीन है बस। तब ये है बस रेन वेन मतलब कोट लेके चलो, अगर आप इस टाइम ट्रैवल कर रहे हो यहाँ पर केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो रेनकोट लेके चलो ज़्यादा सही। हमारे पास भी रेनकोट है देखो, और ये टेंट भी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो भाई कि इतने बारिश हो रही है और यहाँ पर ठंड भी ज़्यादा होने लग गया अभी जैसे बारिश स्टार्ट हुआ है। फिर भी देखो बाबा के जो श्रद्धालु है, बाबा के जो भक्त है भाई, उनमें कमी नहीं हुई है। रेनकोट पहन के, नंगे पैर, छाता लेके सब बाबा के दर्शन करने के लिए अभी भी बाहर आ रखे हैं। मतलब देख लो बाबा की सारी माया है। बूंदों का ना आवाज़ सुन भाई, बड़े बड़े बूंदे गिर रहे हैं। तो जैसे जैसे बारिश की बूंदें तेज़ होने लगी, वैसे ही वैसे श्रद्धालुओं के भीड़ों में कमी आने लगी। श्रद्धालु भी अपने अपने जगह पर चले गए बारिश से बचने के लिए। और मैं टेंट का गेट खोल के मैं बारिश के बूंदों को देखते जा रहा था और धीरे धीरे मेरी भी आंख लग गई और फिर सीधे खुला शाम को जाके मेरी आँखें। जैसे ही बारिश की बूंदों ने भाई विराम लिया, वैसे ही श्रद्धालु के जो भीड़ थे दोबारा से आ गए, क्योंकि अभी कुछ क्षण बाद जो है संध्या आरती होने वाले यहाँ पे। और फिर मुझे भी सचिन भाई ने आके उठाया कि भाई उठो बारिश ख़त्म हो चुकी है। ये देखो अभी टाइम हो रहा है 6:40, अब जाके भाई बारिश ख़त्म हुई। और तो ऑलमोस्ट 7 बजे के आसपास जाके बारिश ख़त्म हुई और फिर हम अपने अपने टेंट से बाहर आए और फिर दोबारा से तैयार होके भाई संध्या आरती के लिए हम तैयार हो गए। उससे पहले जो केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पीछे आदि शंकराचार्य जी की समाधि है, वहाँ पे हम गए उनके समाधि देखने के लिए। तो आप अगर ऊपर समाधि देखते हो तो कुछ इस प्रकार दिखता है। और समाधि को देखने के लिए बिल्कुल पास से आपको ऊपर से नीचे की ओर जाना होता है। और दीवारों पे हर एक जगह पे मंत्र लिखे हुए थे यहाँ के दीवारों पर। और धीरे धीरे जो दीवारें ऊँचे होते जा रहे थे और हम जो है धीरे धीरे नीचे जाते जा रहे थे। नीचे जाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगा और हम फिर फाइनली पहुंच गए शंकराचार्य के समाधि के पास। समाधि है उसको थोड़ा सा भूल भुलैया कि जैसे बनाया गया है, अगर आप एक छोर से जाते तो दूसरे छोर पर निकल नहीं सकते आप। देख लो केदारनाथ घाटी अब दोबारा साफ हो गया है, तो अब कम बादल रह गए इस साइड तो अभी हुई है। और यहाँ पे भाई एक बर्फीले पहाड़ है, वो अगर आपको दिख रहा हो ये वाला बर्फीले पहाड़, ये देखो ये बर्फीले पहाड़ है, वो उस पर पूरा बर्फ से जमा हुआ पहाड़ है भाई, पूरा बर्फीले पहाड़ है। और काफ़ी ऊंचा होगा वो, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होगा, यहाँ से देखने से लग रहा है। और अगर पूरा पीछे का बर्फीले पहाड़ दिखता है तो भाई बहुत ही अल्टीमेट व्यू आ रहा है। जब सूरज निकला था तब जाओ उस टाइम हम दर्शन करने चले गए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी यहाँ शाम के समय थोड़ा सा मौसम साफ हुआ है, वो भी आरती के लिए। फिर हम नीचे आ गए ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर, जो केदारनाथ के बिल्कुल सामने ओम के 60 टन की प्रतिमा जो लगी हुई है इसको देखने के लिए। और यहाँ से नज़ारा आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। ऊपर आप देख सकते हो स्नो माउंटेन, फिर यहाँ पे बादल और फिर बीच में ओम के प्रतिमा, बहुत ही प्यारा था। फिर हमारे कानों में सुनाई दिया संध्या की आरती की धुन,
जो धुन मैं आप लोगों को सुना नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में अगर वो धुन सुनाऊंगा आप लोगों को तो फिर मेरे वीडियो पर कॉपीराइट आ सकते हैं इसीलिए। और काफ़ी देखते देखते काफ़ी सारे श्रद्धालु जो है संध्या आरती देखने के लिए आ गए। और जैसे कि आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जैसे संध्या आरती होने लगे वैसे जो पीछे के साइड जो बर्फीले पहाड़ है वो थोड़े से टाइम के लिए साफ हो गए, जैसे कि महादेव खुद स्वयं वहाँ से देख रहे हो संध्या आरती। फिर जो है बर्फीले पहाड़ फिर से जो बादलों ने उनको ढक दिया और आप देख सकते हो संध्या आरती के टाइम बहुत ही प्यारा दृश्य थे और काफ़ी सारे श्रद्धालु आ चुके थे और हम भी भाई यहाँ पे संध्या आरती के लुत्फ़ उठा रहे थे अपने दोस्तों के साथ में। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो शेयर करना। तब तक के लिए जय जय भोलेनाथ।